सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल एशियाटिक लायंस के बारे में हैं। पिछले एक महीने में काफ़ी सारे एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस इशू को डिस्कस किया था एडिटोरियल की वीडियो में, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। देखो, पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायंस सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आसपास के एरिया में। इसके अलावा एशियाटिक लायंस कहीं नहीं मिलते हैं। अगर हम उन एशियाटिक लायंस को ना काउंट करें जो चिड़ियाघरों में मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ में टोटल एशियाटिक लायंस की संख्या है 700 यानी 700। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत एशियाटिक लायंस प्रोटेक्टेड हैं शेड्यूल 1 के अंदर। नेक्स्ट, साइट्स जो कि एक कन्वेंशन है इनडेंजर्ड स्पीसीज के इनलीगल इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में प्रोटेक्टेड हैं एशियाटिक लायंस और IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी एशियाटिक लायंस के बारे में। अब आते हैं फिर से कंटेस्ट की तरफ। पिछले एक महीने में इतने सारे एशियाटिक लायंस की डेथ क्यों हुई है? संभावना देखो ये जताई जा रही है गिर नेशनल पार्क और आसपास के एरिया में एशियाटिक लायंस को इन्फेक्ट किया है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस ने और पैरासाइट के काटने से होने वाले बेबियोसिस डिजीज ने। पहले हम बात करें कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की। देखो, 1993-94 के आसपास तंजानिया में भी बहुत सारे लायंस को इसी वायरस ने इन्फेक्ट किया था और बहुत सारे लायंस की डेथ हो गई थी उस समय। ये एक कंटाजियस और सीरियस डिजीज़ है, मतलब एक एशियाटिक लायंस से दूसरे एशियाटिक लायंस में ये डिजीज़ फैलता है और ये डिजीज़ सीधा अटैक करता है कैट्स की स्पीसीज़ और डॉग की फैमिली के रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल और नर्वस सिस्टम पर। इससे डेथ हो जाती है डॉग फैमिली या फिर कैट की स्पीसीज़ के सदस्यों की। हम बात करें बेबियोसिस की, ये देखो पैरासाइट के काटने से होता है और इससे जिस भी एनिमल को ये डिजीज़ होता है उस एनिमल के RBC यानी रेड ब्लड सेल्स इन्फेक्ट होते हैं और टिक एक मीडियम का काम करती हैं इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन के लिए, यानी टिक की वजह से ये डिजीज़ एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट होता है। अब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन फैक्चुअल है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्पीसीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। पहला है एशियाटिक लायन, दूसरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तीसरा कश्मीर स्टैग, चौथा वाइल्ड कैट। तो आप बताइए इन चारों में से कौन से एनिमल की स्पीसीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आती हैं। देखो, एशियाटिक लायन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, इंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से एशियाटिक लायन, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अगर हम 1 को एलिमिनेट करें तो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ B बचेगा। और वाइल्ड कैट IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीर स्टैग, ये दोनों क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज हैं। वैसे हमारे देश में कौन सी मुख्य स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड हैं, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उन सब की एक लिस्ट का डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम के चैनल के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट जो आज मैंने शेयर किया है वो भी प्राप्त कर लीजिएगा और डेली जो हमारी डिस्कशन का PDF है वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल GMAX 18 के बारे में है। GMAX देखो इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट होने वाली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। पिछली बार 2013 दिसंबर में इसे कंडक्ट किया गया था चेन्नई के नज़दीक। अब तीसरा एडिशन GMAX का कंडक्ट किया जाएगा विशाखापट्टनम के पास। याद रखिएगा, लास्ट टाइम 2013 में कंडक्ट हुई थी लेकिन 5 सालों तक इसे कंडक्ट नहीं किया गया। अब तीसरा एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट होगा विशाखापट्टनम के पास। फ़ायदा क्या होगा वो आपको पता है, हम हर बार डिस्कस करते हैं, दोनों देशों की नेवी को एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस जानने का मौका मिलेगा, फ्यूचर में अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन चलाना है
तो भी इस एक्सरसाइज से काफ़ी मदद मिलेगी। ये सब बातें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूरेशियन ऑर्डर के बारे में है। ऑर्डर का मतलब है उदबिलाव। ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर यूरेशियन ऑर्डर की। ऑर्डर यानी उदबिलाव की देखो, 3 कॉन्टिनेंट्स में 7 सब स्पीसीज पाई जाती हैं। कौन से 3 कॉन्टिनेंट्स में? यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। हम बात करें यूरेशियन ऑर्डर की, ये IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। कई तरह के हैबिटेट में रहता है यूरेशियन ऑर्डर, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मार्शीज, स्वैम्प फॉरेस्ट और कोस्टल एरियाज। इंडिया में भी देखो यूरेशियन ऑर्डर मिलता है। वर्ल्ड में जो 7 स्पीसीज हैं ऑर्डर की यानी उदबिलाव की, 7 में से 3 सब स्पीसीज तो इंडिया में भी मिलती हैं। यूरेशियन ऑर्डर, दूसरा स्मूथ कोटेड ऑर्डर और तीसरा क्लॉलेस ऑर्डर। यूरेशियन ऑर्डर इंडिया में मिलता है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में स्पेसिफिकली हम बात करें तो कर्नाटक का कुर्ग इलाका, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स और पालनी हिल रेंजेस, यहाँ पे यूरेशियन ऑर्डर को रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट, यूरेशियन ऑर्डर को बाकी ऑर्डर्स की अपेक्षाकृत इंडिया में कम देखा जाता है। स्मूथ कोटेड ऑर्डर और क्लॉलेस ऑर्डर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि यूरेशियन ऑर्डर कम देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है यूरेशियन ऑर्डर। स्मूथ कोटेड ऑर्डर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में प्रोटेक्टेड है, लेकिन क्लॉलेस ऑर्डर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। साइट्स जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, ये कन्वेंशन है इंडेंजर स्पीसीज के इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है यूरेशियन ऑर्डर, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है स्मूथ कोटेड ऑर्डर और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है क्लॉलेस ऑर्डर। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, देखो क्या ये सब याद रखने की आवश्यकता है? साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में आता है, कौन सा एनिमल? देखो हर एक को तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो न्यूज़ में हैं उन पर आप एक बार ज़रूर नज़र डाल सकते हो। एक्चुअली UPSC ने पूछ लिया था, 2014 में पूछा था UPSC ने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है। इसीलिए सिर्फ जो न्यूज़ में रहते हैं उन पर नज़र डालना ठीक रहेगा, तब तो कॉस्ट बेनिफिट पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज अगर सारे ही याद करना हमने स्टार्ट कर दिया तो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और पता भी नहीं क्वेश्चन पूछा भी जाएगा या फिर नहीं, तो उस सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट की रेशियो जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गंगा टास्क फोर्स के बारे में है। गंगा टास्क फोर्स देखो टेरिटोरियल आर्मी की एक यूनिट है जिसको डिप्लॉय किया जाएगा गंगा नदी की सर्विसेज में। 100 पर्सनल की 3 कंपनीज होंगी जिनको तैनात किया जाएगा कानपुर में, अलाहाबाद में और वाराणसी में। पूरी बटालियन का हेडक्वार्टर होगा अलाहाबाद में। गंगा टास्क फोर्स को फॉर्म करने का अप्रूवल मिला था कुछ समय पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। गंगा टास्क फोर्स के जो पर्सनल हैं उनको ट्रेन किया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भी, ताकि गंगा नदी को साफ किया जा सके, गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और इंडस्ट्रीज़ को, लोगों को रोका जा सके कि वो गंगा नदी को पोल्यूट ना करें। फ्लड या फिर कोई दूसरी नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस समय भी अपनी सर्विसेज दी जा सके गंगा टास्क फोर्स के द्वारा। सोइल इरोजन को रोकने के लिए गंगा नदी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाए और जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है वहाँ पे भी पेट्रोलिंग करेगी गंगा टास्क फोर्स। तो ये सारे काम होंगे गंगा टास्क फोर्स के। गंगा टास्क फोर्स फोर्स में रहेगी दिसंबर 2020 तक और आने वाला जो कुंभ का मेला होगा, कुंभ के मेले में भी क्राउड मैनेजमेंट की जाएगी गंगा टास्क फोर्स के द्वारा। टेरिटोरियल आर्मी को रिवाइज हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहली स्टेटमेंट, टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स है सिविलियंस की जो कि रेगुलर इंडियन आर्मी का पार्ट है। दूसरी स्टेटमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करती है टेरिटोरियल आर्मी एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस में। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं या फिर गलत हैं। अब हम रिवाइज करते हैं टेरिटोरियल आर्मी को।
वैसे तो देखो टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया गया था अंग्रेजों के समय, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1949 में इसे रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। तो उसके बाद कल इसका 68वां स्थापना दिवस है। टेरिटोरियल आर्मी जो होती है वो सेकंड डिफेंस लाइन का काम करती है आर्मी के बाद। अब देखो काफ़ी सारे क्रिटेरियाज हैं, कौन ज्वाइन कर सकता है टेरिटोरियल आर्मी को, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। यानी कोई पर्सन मान लीजिए बैंक में काम कर रहा है या फिर एग्रीकल्चर है, किसान है, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो। टेरिटोरियल आर्मी के SS भी होती है, प्रॉपर ढंग से टेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं, डेली जो जीवन है सिविलियन की लाइफ जीते रहते हैं। लेकिन जब आर्मी को जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब 65 में, 62 में, 71 में जब वार हुआ था तो टेरिटोरियल आर्मी की हेल्प ली गई थी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो इस प्रकार से जो टेरिटोरियल आर्मी होती है वो सेकंड डिफेंस लाइन काम करती है आर्मी के बाद, और इसमें सिविलियंस ही होते हैं। और इवन वन ऑफ द क्राइटेरिया यही है कि जो सिविलियंस होते हैं वो वेल सेटल्ड होने चाहिए, उनको तवज्जो दी जाएगी। यानी अगर कोई पर्सन बैंक में काम कर रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट का कोई खतरा नहीं है, वेल सेटल्ड है, तो उसको तवज्जो दी जाएगी टेरिटोरियल आर्मी में, और समय पड़ने पर आर्मी उनको बुला लेगी। समझ गए? तो ये है टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया सर्वे रिपोर्ट के बारे में है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था WEF के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्वेश्चन यहीं पर इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर UPSC पूछती है। रिसेंट में फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई थी, किस संस्था के द्वारा? आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 770 कंपनीज का सर्वे किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये कंपनीज थी वेरियस सेक्टर्स से, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, रिटेल। क्या कुछ मुख्य बातें निकल के आती हैं इस रिपोर्ट से और इस सर्वे से? हमारे देश में 5 में से 4 जो रिटेल फर्म्स हैं वहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ की हम बात करें तो टोटल एम्प्लॉयज़ में फीमेल एम्प्लॉयज़ की संख्या 10% से भी कम है। हमारे देश में वो कंपनीज जो हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर कर रही हैं वो मैन को ज़्यादा हायर करती हैं एज कंपेरिजन टू फीमेल या फिर वुमेन। सिर्फ 2.4% कंपनीज हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयज़ की संख्या या तो 50% है या फिर 50% से ज़्यादा है। 71% कंपनीज ऐसी हैं जहां पर वुमेन एम्प्लॉयज़ की संख्या 10% से भी कम है, और इन 70% में से 30% कंपनीज तो ऐसी हैं जहां पे एक भी फीमेल एम्प्लॉय नहीं है। टोटल इंडियन फीमेल का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है 27%, जो कि ग्लोबल एवरेज से 23% कम है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। मान लीजिए लास्ट लाइन पर UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स इंडिया में कितना है, 40% है, 50% है या फिर 5% है, तो गलत हो जाएंगे, 27% है, याद रखिएगा। UPSC ऐसे नहीं पूछती, आप बताइए 25% है या फिर 26 है, 27 है, 28 है। अगर डेटा देती भी है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वैसे देखो जनरली कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार का पेपर आया है 2018 में, UPSC ने कई प्रकार के मिथ तोड़ दिए हैं। जैसे एक हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था, वो तो आगे वाले यानी जो फर्स्ट नेम है वो उसका डिफरेंस था सिर्फ। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे इनसेट सिस्टम की एप्लीकेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एप्लीकेशन के बारे में। इसके लिए देखो इसरो का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोग्राम। अगर UPSC पूछती है DMS प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, इसरो का है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इसरो के द्वारा डिजास्टर से निपटने के लिए टाइमली सपोर्ट और एरोस्पेस सिस्टम से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन संबंधित सर्विसेज, ताकि डिजास्टर्स को काफ़ी एफिशिएंट ढंग से मैनेज किया जा सके। डिजास्टर्स फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रोट, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक। क्या क्या होता है इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में देखो एक डिजिटल डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि हजार्ड्स को जोन में डिवाइड किया जा सके। अगर कोई डिजास्टर कहीं आई है तो असेसमेंट हो सके आसानी से, और नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर किया जा सके सैटेलाइट की सहायता से, और एरियल डेटा प्रॉपर हो सरकार के पास, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं जिनको डिसीजन लेना है
वो उस एरियल डेटा के आधार पर अच्छे से डिसीजन ले सके। इवन जहाँ पे डिज़ास्टर आया है वहाँ पे एक रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टाब्लिश करना, ताकि डिज़ास्टर ऑपरेशंस को और बेहतर ढंग से चलाया जा सके। R&D, ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया गंगा टास्क फोर्स के बारे में, और टेरिटोरियल आर्मी के बारे में भी हमने रिवाइज किया, यूरेशियन ऑटर के बारे में डिस्कस किया, हमने एशियाटिक लायंस के बारे में जाना, काफ़ी डेथ हो गई है एशियाटिक लायंस की, जीमैक्स 18 के बारे में हमने जाना, फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया एक सर्वे रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसे भी हमने डिस्कस किया, और साइंस एंड टेक की सीरीज़ को भी हमने कंटिन्यू किया। टेलीग्राम की एप्लीकेशन आप डाउनलोड की कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।